आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के बीच आज तक हमेशा ही कांटे की टक्कर होती आई है। और दोस्तों आईपीएल के पिछले 12 सालों के इतिहास में आज तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से आरसीबी की टीम जहां 6 मुकाबले जीत चुकी है, वहीं हैदराबाद की टीम 8 मुकाबलों को अभी तक अपने नाम कर चुकी है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम आईपीएल 2020 के लिए इन दोनों टीमों का बिल्कुल होनेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि जब 7 अप्रैल को आईपीएल के 11वें मुकाबले में यह दोनों टीमें आमने आपस में भिड़ने वाली है तो कौन सी टीम के पास इस मुकाबले को जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस पूरे कंपैरिजन को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम एक जबरदस्त शुरुआत करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर का कंपैरिजन करें तो सनराइजर हैदराबाद की टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 1 पर डेविड वार्नर, नंबर 2 पर जूनी बेस्टो और नंबर 3 पर केन विलियमसन उतरने वाले हैं। वही दोस्तों आरसीबी की टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 1 पर पार्थिव पटेल, नंबर 2 पर एरॉन फिंच और नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली उतरने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर ऑन द पेपर अगर दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर का कंपैरिजन करें तो दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे तगड़े ओपनर्स और साथ ही साथ तगड़ा टॉप ऑर्डर मौजूद है। दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक लग रही है, कोई भी टीम आपस में एक दूसरे से कम बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें एक दूसरे को पीछे कर रही है और इसी वजह से टॉप ऑर्डर के मामले में यहां दोनों ही टीमें काफी बराबरी की नजर आती है और टॉप ऑर्डर के मामले में यहां दोनों ही टीमों को मिलते हैं 100 में से 50-50 पॉइंट्स। तो दोस्तों अब अगर इन दोनों टीमों के मिडल ऑर्डर का कंपैरिजन किया जाए तो हैदराबाद की टीम के लिए मिडल ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर विजय शंकर, नंबर 6 पर अभिषेक शर्मा और नंबर 7 पर राशिद खान उतरने वाले हैं। वहीं आरसीबी की टीम के लिए मिडल ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 4 पर ईबी डिविलियर्स, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर क्रिस मॉरिस और नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर उतरने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर दोनों टीमों के मिडल ऑर्डर को देखा जाए तो हैदराबाद की टीम का मिडल ऑर्डर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है। विजय शंकर की परफॉर्मेंस का भी कुछ पता नहीं है, मनीष पांडे की परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो देखने वाली बात होगी। अभिषेक शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट में तो अच्छा कर रहे हैं परंतु उनको ज़्यादा मौके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और आरसीबी की टीम में नंबर 4 पर जहां ईबी डिविलियर्स मौजूद है, 5 पर शिवम दुबे मौजूद है, वहीं नंबर 6 पर क्रिस मॉरिस से भी आरसीबी की टीम में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों इसी वजह से मिडल ऑर्डर के मामले में यह आरसीबी की टीम को मिलते हैं 100 में से 55 पॉइंट्स और हैदराबाद की टीम को बचे 100 में से 45 पॉइंट्स। तो दोस्तों अब अगर इन दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन किया जाए तो हैदराबाद की टीम के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर सिद्धार्थ कोल, नंबर 10 पर शाहबाज नदीम और नंबर 11 पर बेसिल थम्पी उतरने वाले हैं। वहीं आरसीबी की टीम के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 8 पर डेल स्टेन, नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर नवदीप सैनी और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल उतरने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोअर ऑर्डर में ध्यान से ऑन द पेपर देखें तो दोनों ही टीमों की गेंदबाजी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल रहने वाली है। आरसीबी की गेंदबाजी अगर कभी फॉर्म में आती है तो वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है और अगर आरसीबी की टीम की गेंदबाजी का कभी कुछ ज़्यादा अच्छा दिन नहीं रहता तब उनकी गेंदबाजी कुछ ज़्यादा अच्छी भी साबित नहीं होती है। हैदराबाद के साथ भी वही रहने वाला है, उनके भी दोस्तों काफ़ी खिलाड़ी अब ज़्यादा कुछ क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार अपने इंजरी से काफ़ी समय बाद लौटे हैं, सिद्धार्थ कोल की फॉर्म का भी कुछ ज़्यादा आता पता नहीं है, शाहबाज नबदीम और बेसिल थम्बे की भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी। तो दोस्तों इनकी भी गेंदबाजी दोनों ही टीमों की काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सी है और इसी वजह से लोअर ऑर्डर के मामले में यहाँ दोनों ही टीमों को मिलते हैं 100 में से 50-50 पॉइंट।
तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल में काफी ज्यादा फिर से बराबरी का मुकाबला होने वाला है और एक जबरदस्त मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इन दोनों टीमों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।